अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर का कंप्यूटर का सेकेंड लेक्चर कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की कोडिंग, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज की जितने भी प्रोग्राम हैं वो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे और उसकी कोडिंग करके उसके तमाम जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था हेडर फाइल, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स, इनकी मैं आपको वन बाई वन कोडिंग करके दिखाऊंगा। देन हम प्रोग्राम को कंपाइल भी करेंगे और जो एरर उसमें आएंगे हम उन एरर को डिस्कस भी करेंगे, किस किस्म के एरर हैं। और वन बाई वन हम आज अपने फर्स्ट चैप्टर से पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी बेटा? तो ये आपके पास सी लैंग्वेज का पेज है, जो ब्लू कलर की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास चाइल्ड पेज है। सबसे ऊपर आपके पास मेन्यू है, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइलेशन, डीबगिंग, प्रोजेक्ट ऑप्शन, विंडो एंड हेल्प। ये मेन्यू बार है, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वन बाई वन हर मेन्यू के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हैश साइन, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हेडर फाइल है, उसके साथ इंक्लूड से हम स्टार्ट करेंगे। इंक्लूड भी लिख सकते हैं और इसकी जगह आप डिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो मैंने वर्ड लिखा वो है एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम जो है अपनी हेडर फाइल मेंशन करेंगे, स्टूडियो डॉट एच। डॉट एच जो हमारे पास है वो हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मीन्स है कि डॉट, जितनी भी एक्सटेंशन हम लिखते हैं वो डॉट के बाद लिखी जाती है। एच स्टैंड फॉर हेडर। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडर फाइल है वो है इंक्लूड, वैसे ही हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट कॉन आयो डॉट एच। ठीक है बेटा? तो ये हमारे पास सेकंड जो है हेडर फाइल हमने लिख ली। ये दो मेन हेडर फाइल्स हैं जो प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेन फंक्शन, वॉइड मेन। ठीक है, और हम इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास मेन फंक्शन है। ठीक है, दो पोर्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं स्टूडियो डॉट एच एंड इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच। उसके नीचे हमने लिखा है void main। void main हमारे पास मेन फंक्शन है एंड आफ्टर डैट हम अपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। डेलिमीटर साइन स्टार्ट पे लगाया जाता है एंड नेक्स्ट जो हमारे पास मेन है वो है हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो दो चीज़ें हैं उसमें। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम टाइप मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल ले रहे हैं वो कौन सी टाइप है, वो इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लॉट है, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टाइप का नाम लिखा है इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। मैं यहाँ पे वेरिएबल मेंशन कर रहा हूँ ए बी एंड सम। ठीक है, ये मैंने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब तीनों वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए मैंने कोमा यूज़ किया, ए कोमा बी कोमा सम, और तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। जब वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमने सेमी कॉलन का साइन लगाना है। ये जो सेमी कॉलन का साइन है ये टर्मिनेट ऑफ स्टेटमेंट शो करता है। अगर मैं सेमी कॉलन का साइन नहीं लगाऊंगा तो इट्स मीन टू से ये सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपके सामने किया, ये हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल किसे कहते हैं, कि जब हम किसी भी वेरिएबल को उसकी टाइप के साथ लिखते हैं तो वो हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। ये वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होगा वो होगा वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसको वैल्यू असाइन करना। देखिए, जो ये वैल्यू असाइन की गई है ये भी एक स्टेटमेंट है और एवरी स्टेटमेंट क्लोज विद टर्मिनेटेड सिंबल विद सेमीकोलन। अब ये भी मैंने जो अभी काम किया है ये है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। सेकंड मेरे पास है बी, बी इक्वल टू थ्री, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट मैंने लिखी हैं जिनको इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ये जो दो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या कहलाती है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ये जो हमने लिखा है ये है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि बच्चे आपको ये याद रहे कि जब हम वेरिएबल को टाइप के साथ लिखते हैं तो डिक्लेरेशन, और वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर तीसरा जो वेरिएबल मैंने ऊपर लिया हुआ है सम, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा ए प्लस बी। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ,
जिसमें दो वैल्यूज को जमा किया गया है और थर्ड वेरिएबल में सेव करवाया गया है जो हमारे पास है सम। देखिए बेटा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम लेंगे उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। सपोज अगर यहाँ पे मैंने ए बी और सम लिया और यहाँ पे मैंने सी लिख दिया तो मेरे पास एक एरर जनरेट होगा जिसको कहा जाएगा अनडिफाइंड वेरिएबल, कि आपने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया लेकिन वेरिएबल को जनरेट कर दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे हेडर फाइल, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में हम अपने प्रोग्राम को ले चल रहे हैं। मैंने इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ जो हमारे पास है इसमें हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। प्रिंट एफ डबल कोट सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू। देखें बेटा, यहाँ पे एक और अहम बात मैं बता दूँ कि ये जो मैंने वर्डिंग लिखी है सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल, ये एज इट इज़ आपके पास आउटपुट में जाएगी जैसा कि मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा रहा हूँ जो कि मैं बारहा लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये जो परसेंटेज डी है ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड क्या होता है, यहाँ पे जो हमने इंटीजर मेंशन किया है ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। सपोज यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा तो यहाँ पे परसेंटेज डी लिखूंगा, तो परसेंटेज डी इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर। अगर यहाँ पे मैं फ्लॉट लिखता हूँ, फ्लॉट मीन टू से कि मैं डेसिमल वैल्यू शो करता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखूंगा वो परसेंटेज एफ होगा। अगर यहाँ पे मैं करैक्टर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे करैक्टर मेंशन करता हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज सी लिखूंगा, ठीक है, जो मैं आगे फर्दर लेक्चर में भी आपको बताता जाऊँगा। तो ये जो परसेंटेज डी है ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड स्टार्ट विद परसेंटेज साइन, नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे और जो वेरिएबल मैंने प्रिंट करवाना है, देखिए मैंने यहाँ पे सम में वैल्यू स्टोर करवा चुका हूँ तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा एस यू एम सम, ठीक है। सम में मैं वैल्यू को स्टोर करवाने से पहले यहाँ पे मैं डबल कोटेशन क्लोज करने लगा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास डबल कोटेशन क्लोज हो गया। तो ये जो वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखी है ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज आउटपुट में आएगी और परसेंटेज डी जो है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाइड है जो इस सम इंटीजर को मैंशन करेगा। अब मैंने इस ब्रैकेट को स्टेटमेंट को क्लोज किया और ये हमारे पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट कम्प्लीट हो गई। अब प्रिंट एफ स्टेटमेंट कम्प्लीट करने के बाद मैं एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखेंगे गेट सी एच। गेट सी एच हमारे पास इसका जो मेन पर्पज़ होता है ये प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसमें जो करेक्टर हम मैंशन कर रहे हैं उसको गेट करने के लिए कंपाइलर यूज़ करता है। बास प्रोग्राम में हम ये नहीं भी लिखते लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे जो कंपाइलिंग के दौरान आउटपुट लिखना ज़रूरी होता है। ये मैंने अपनी स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास इतना जो पोर्शन है ये सारे का सारा बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है, ये हेडर फाइल और ये मेन फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमारे पास तीन ही चीज़ें हैं, हेडर फाइल, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। चलिए बेटा, अब यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका हुआ है जिसमें हमने बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लिया, मेन फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया और हमारे पास जो हेडर फाइल्स है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। कोडिंग का बेटा अच्छी तरह ख्याल रखना है, हर स्टेटमेंट को आपने सेमी कॉलन से क्लोज करना है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे। रन करवाने के दो तरीके हैं, सबसे पहले हम Alt F9 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन पर एक कंपाइलेटिंग का प्रोसेस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देखे लिखा हुआ है वार्निंग 00 एंड एरर 00, इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम हमने कंपाइल किया है इसमें कोई एरर जनरेट नहीं हुआ और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ये एरर के लिए। अब हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आंसर आ जाएगा सम ऑफ टू नंबर इज 5। देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा दूं, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इज 5, ये हमारे पास कंपाइल हो गया प्रोग्राम, ठीक है बेटा। तो इसमें मैं बैकअप स्क्रीन पर जाता हूं और वहां पे आपको बता दूं कि यहां पे हमने दो वेरिएबल लिए थे 2 और 3 और उनको हमने प्लस किया और सम में स्टोर करवाया और हमारा कंट्रोल F9, आप मेन्यू बार पे जा पे रन पे क्लिक करें, ठीक है, या कंपाइलिंग का प्रोसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो कंट्रोल F9 प्रेस करें आपकी स्क्रीन पर आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। ये हमारा था आज का पहला प्रोग्राम।